वेलकम स्टूडेंट्स टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट्स अ चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी सो रिप्रोडक्शन एज वी ऑलरेडी नो इट्स द प्रोडक्शन ऑफ़ द ऑफ स्प्रिंग्स सो हमारे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं एक हमारे मेल का होता है और दूसरा हमारी फीमेल का होता है सो बोथ द सिस्टम्स आर डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो मेल रीप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है देन वी हैव टू स्टार्टी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है आफ्टर दैट वी कैन गो टू द मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन कैसे होती है फर्टिलाइजेशन का क्या होता है एम्ब्रियो कैसा होगा बेबी कैसे बनता है एंड ऑल दी थिंग्स सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द डाइग्राम सो दैट सम थिंग्स विल बी क्लेयर सो so, ये जो यहाँ पे देखकर है ये एक डायग्रामेटिक सेक्शन है मेल पेल्विक रीजन का जहाँ पे दिखाया गया है दैट दिस इज़ अ यूरेटर ये है सेम वेसिकल्स वेजिकल्स ये है ऑलरेडी यूरिनरी ब्लैडर दैट्स प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ये है वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट दिस इज द पेनिस दिस इज द यूरेथ्रा एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है दिस इज अस्क्रॉटम सो so, हम ये सब जो पार्ट्स दिखाए गए हैं वी विल डिस्कस देम इन डिटेल लाइक किसका क्या फंक्शन है एंड कहाँ पे क्या चीज़ का रोल है सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है एक तो इसमें पेयर होता है टेस्टीज़ का यानी कि एक नहीं दो टेस्टीज होते हैं टेस्टीज दो होते हैं और उसमें हमारे साथ कुछ ग्लैंड्स भी आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनका काम भी होता है और साथ में हमें एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है तो पेयर ऑफ टेस्टीज एसेसरी डाक ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के In the coming video, we will discuss these parts in detail from here. Till then, stay tuned. Thank you.